Pfizer had one whole 1/2 liters of juice in a jar. She drank 1/4 of it in the morning. Her sister added 3/8 liters more in the jar. How much juice is in the jug now? Okay students, इसमें ये बताया गया है कि Pfizer के पास juice का एक jug है जिसमें कितना juice present है 1 whole 1/2 liters. अब इस portion का इतना portion means 1/4 पोर्शन जो है वो उसने मॉर्निंग में पी लिया. पीने के बाद उसके सिस्टर ने इतना पोर्शन जूस का मजीद जग में ऐड किया. तो आपने बताना है कि जग में कितना जूस मौजूद है. सो सबसे पहले आप डाटा की हेडिंग देंगे जिसमें आप तमाम चीजें मेंशन करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है. सबसे पहले Pfizer had juice in the jug is equals to 1 whole 1/2 liters. ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है जिसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे जिसके लिए 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा. जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड किया जाएगा. 2 1s are 2 gives plus 1 gives you 3. So 3/2 liters. Next is she drank 1/4 of 3/2. इस पोर्शन का इतना पोर्शन उसने पिया. जो सो जब फ्रैक्शंस में ऑफ का वर्ड आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई के साथ. 1/4 × 3/2. अब अगर कटिंग होती है बाय क्रॉस तो हम कटिंग करेंगे, नहीं तो न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा. 3 1s are 3, 2 4s are 8, 3/8 liters. नेक्स्ट जूस एडेड, कितना ऐड किया गया था जूस? इज इक्वल्स टू 3/8 liters. अब फाइंड क्या करना है आप लोगों ने? जूस इन द जग, एडिशन के बाद ऐड करने के बाद कितना जूस जग में प्रेजेंट है. सो सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे, जूस इन द जग इज इक्वल्स टू 3/2 − 3/8. इस पोर्शन में से इतना पोर्शन पी लिया गया था इसलिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन है, और पीने के बाद इतना पोर्शन उस जग में ऐड किया गया था इसलिए यहाँ पे एडिशन का साइन है. सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब फ्रैक्शंस में आती है तो हम देखते हैं डिनोमिनेटर को. लास्ट टू टर्म्स के डिनोमिनेटर्स सेम है, फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर को भी हम सेम करेंगे. तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 के साथ क्योंकि 2 × 4 गिव्स यू 8. जो काम हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं वही काम हम न्यूमिनेटर में भी करेंगे. −3/8 + 3/8 एज इट इज आ जाएगा. इसके बाद आप इनको मल्टीप्लाई कर लें. 3 4s are 12, 2 4s are 8. −3/8 + 3/8. इसके बाद अब आप देखें डिनोमिनेटर्स सेम है, आप इनको वन टाइम लिख लें. 12 − 3 + 3. इसके बाद आप क्या करेंगे? 12 − 3 गिव्स यू 9, 9 + 3 / 8. 9 + 3 gives you 12, so 12 / 8. अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लें. सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखेंगे कि दोनों नंबर्स एक ही टेबल पर आने चाहिए. तो हम अगर इसको 4 के साथ डिवाइड कर लें, डिवाइडेड बाय 4, अगेन डिवाइडेड बाय 4 gives you 4 3s are 12, 4 2s are 8. सो 3/2 आपके पास आंसर आ गया है. अब अगर आप इसको देखें तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसको डिवाइड कर लेंगे. 3 2 1s are 2 and 1 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा. अब हम जब डिवीजन करते हैं तो हम उसको मिक्स्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन होता है वो आपके होल में चला जाता है और जो आपका रिमाइंडर आता है वो आपका न्यूमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर सेम रहता है. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. अब आप इसको रिजल्ट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? Liter juice is in the jug now.